Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. UP ke Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya ne kaha hai ki Rahul Gandhi ka mansik santulan bigad chuka hai. Bharat aaj America se behtar hai. Aise mein Bharat ki Pakistan se tulna karne ke liye Congress वे राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का यूपी में खाता भी नहीं खुल पाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सुभारती विश्वविद्यालय के मंगलम प्रेक्षागृह में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करने के बाद मीडिया से वार्ता कर रहे थे। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा, जिसका मानसिक संतुलन ठीक होता है कोई पाकिस्तान से दुनिया के किसी देश की तुलना नहीं की जा सकती। भारत तो इस समय विकसित होने का संकल्प लेकर के 2047 तक आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये शुद्ध रूप से मानसिक स्थिति चुनाव में बुरे हालात पूरे देश में कांग्रेस के हैं, इससे बिगड़ी हुई है, इसलिए उल्टे सीधे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी सहित कांग्रेस को माफ़ी इसके लिए मांगना चाहिए। पाकिस्तान से भारत की तुलना करना ये भारत का अपमान है, भारतवासियों का अपमान है, भारत के विकास के पथ पर आगे बढ़ने का जो एक रास्ता बना है उसका अनादर करने का काम है। जी आपने कहा कि अमेरिका से बेहतर है भारत, अमेरिका से तो हम बेहतर है ही हैं जी, वहाँ रोज गोली चलती, यहाँ थोड़ा तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 सीट पे हम पूरा विरोध करेंगे और हराने। मैंने अभी चारों चुनाव का विवरण दे दिया आपको, वो 2014 में 60 जीतने की बात कर रहे थे लोकसभा, मुख्यमंत्री थे, 5 पे सिमटे, 2017 में 300 से ज्यादा जीतने कह रहे थे, 47 पर सिमटे, 2019 में गठबंधन कर लिया लेकिन गठबंधन के बाद भी सूपड़ा साफ हो गया, 2024 में 22 में सरकार बना रहे थे और आज उनके हालात क्या हैं कि राज्यसभा का उनका तीसरा कैंडिडेट उनकी पार्टी के अंतर्कलह के कारण हार गया और 2024 में तो सपा का खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस का खाता यूपी में नहीं खुलेगा। सम्मेलन के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष व व्यापारी नेता विनीत कुमार शारदा ने यह कहा, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश नेतृत्व के आदेश से हर कमिश्नर में व्यापारी सम्मेलन कर रहा है, उसी श्रृंखला में मेरठ कमिश्नरी का ये विशाल व्यापारी सम्मेलन मेरठ की पावन धरती पर हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माना केशव प्रसाद मौर्य जी ने उप मुख्यमंत्री जी रहे और व्यापारियों ने जो प्यार जो दुलार जो सम्मान मुझे दिया, यहाँ पे भारी भीड़ में आकर 10 बजे से 3 बजे तक बैठ के मैं आपकी तरफ से व्यापारियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं उनको वादा दिला सकता हूँ कि मेरा हमेशा कहना है राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा मेरे व्यापारी का अगर शरीर का एक भी पसीने का टुकड़ा जमीन पर गिरेगा तो विनीत शारदा की शरीर के एक एक खून की कतर मेरे व्यापारी के काम आएगी, ये व्यापारी का आज आगाज है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके मेरा अपनी जन्मभूमि पाया, अपनी कर्मभूमि पाया, मैं दावे से कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट और देश की 411 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं तीसरी बार। मैं तो कहता हूँ, कहा था भगवान श्री राम ने कि कलयुग में जन्म लूंगा, तो राम के रूप में मोदी जन्म ले चुके हैं, तो लक्ष्मण के रूप में योगी जन्म ले चुके हैं, तो अर्जुन के रूप में केशव ने जन्म लिया है, तो कृष्ण के रूप में अमित शाह ने जन्म लिया है, ये चारों की जोड़ी राम और कृष्ण युग को दोनों को जोड़ेगी, राम मंदिर बन के दिखाया, तो 370 हटाई, व्यापारी का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की, तो महिला माता बहनों के सम्मान की रक्षा की, व्यापारी को उद्योगपति उद्यमियों को हमने सरलता दी, हमने उनको व्यापार का रास्ता दिखाया और उनको सरलता से व्यापार कर सकें, उत्तर प्रदेश में रामराज्य लाए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2017 से पहले लूट डकैती हत्या रंगदारी छोट पसूरी से उत्तर प्रदेश जलता था, उत्तर प्रदेश से व्यापारी लगातार पलायन करता था, उत्तर प्रदेश में गन पॉइंट पे व्यापारी को लूट कर उसकी हत्या कर दी जाती थी और माता बहने सुरक्षित नहीं बलात्कार की घटनाएं होती थी, देश का चौथा स्कम पत्रकारों को सरेआम हत्या की जाती थी, पुलिस वालों को मारा जाता था, मेरे व्यापारी के बेटे को उठा के पलायन करके मेरे व्यापारी के बेटा पलायन करता था उत्तर प्रदेश में, दुकानें खुल नहीं पाती थी,
फैक्ट्री खुल नहीं पाती थी, हमने 24 घंटे बिजली दी, लॉ एंड ऑर्डर सही किया। आज अपराधी या तो जेल में है, या अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, या अपराधी को यमराज के पास पहुँचाने का काम किया तो मेरी मोदी श्री योगी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश और देश तक आप विकास की गाथा गा रहे हैं। हमने व्यापारी को मान सम्मान स्वाभिमान दिया, हमने व्यापारी को पेंशन योजना दी, हमने व्यापारी को एक्सीडेंटल बीमा दिया, हमने व्यापारी को व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके मंच दिया, हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना तहत 50,000 से लेकर 20,00,000 तक का लोन देकर व्यापारी के बेटे को, अपने आम जनमानस के बेटे को, हमने उसको नौकरी देने वाला व्यापारी बनाया। हमने एक्सप्रेस वे के जाल दिए, हमने मेडिकल कॉलेज एम्स खोले, हमने एयरपोर्टों का जाल बिछाया, हमने जो कहा वो किया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को साथ में लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो व्यापारी और किसान को सही सम्मान देती है। हमने किसान तो जन हमने उसके खाते में 6,000 रुपये दिए साल में, तो हमने व्यापारी की पेंशन योजना दे के उसके खाते में भी डाल में पैसे डाले। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैं पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व्यापार कोष का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संयोजक हूँ। अगर पार्टी मुझे उत्तर प्रदेश में मेरठ में लोकसभा का चुनाव लड़ाती है तो मैं पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, अपनी सरकार का अभिनंदन करूंगा। अब मेरा 2.25 करोड़ व्यापारी उत्तर प्रदेश का सरकार का और पार्टी का सम्मान करेगा। मैं पार्टी का छोटा सा सेवक हूँ, जब मैं पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अगर मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाती है तो मैं पार्टी का अभिनंदन स्वागत करूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस, और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।